Huma Bakai. Graceful, beautiful, intelligent, and a woman with courage. There's a gender bias here. Yes, sir, it is gender biased. Miss Huma Bakai is quite famous for having unapologetic stance on topics like women rights and topics like protection of transgenders and security of underprivileged communities in Pakistan. Miss Huma Bakai is a policy analyst. She is attached with different print and electronic media for last 20 years, and currently she is also serving as rector of Millennium Institute of Technology and International Relations. Then our guest is Mr. Shuaib Osto. When we see the newspaper Dawn, Dawn newspaper, the name that comes to most of the CSS aspirants is of Mr. Shuaib Osto. His writings, his columns, and his blogs, these are quite famous for being straightforward. His observation, his analysis on the topics of current affairs is quite different from his contemporaries because they are based on evidence-backed data with statistics and first-hand research. So, sir, I'll start with you. Please tell us something about this book. Thank you very much, Swai. She has come all the way from Nosheiro Feroz, and I'm so grateful to her. First of all, I would like to thank Karachi Literature Festival and the organizers, Rahila and all the members who have done a wonderful job of hosting this ceremony over the years. I would like to thank Mazhar, Huma and Shahab for being here with me today. And they are my motivators, let me tell you. And I have been following them for a very long time. These are those members of community who don't mince their word in saying what is correct, what is truthful, and they would speak out. ये सच बोलते हैं, बात कह देते हैं, इनको कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती. हमें तो 33 साल बाद ख्याल आया कि इस तरह बरमला आके महफिल में गुफ्तगू करें. ये वो बात कह जाते हैं जो हम नहीं कह पाते. तो मज़र साहब से तो मैं सर्विस के दरमियान भी जब मैंने एक दो दफ़ा खुल के बात की तो इन्होंने मेरा नाम ले दिया. उसके बाद मैं बड़ा डामाडोल होकर बात बताता था, लेकिन बताता ज़रूर था मैं, लेकिन ये कि दे मेक अस वेरी प्राउड. सुहाई, ये दिस इज़ माई जो मेरी किताब है इन परसूट ऑफ एथिकल स्टेट. बुनियादी तौर पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप एक बात से निकाल सकते हैं, लवर्स क्वारल विथ हिज कंट्री. आई हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स टू मेक डिस्पाइट दैट आई हैव बीन सर्विंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस. और हम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हमने बहुत सारी बातें की, और आज जो चंद पुलिस ऑफिसर्स इधर आए हुए बड़े नामी गिरामी हैं और इन्होंने बड़ा काम किया है. एंड आई कैन वाउच के दे आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो खड़े होते हैं, और जो लोग किश्ती में छेद कर रहे हैं वो उन छेदों को बंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से जो सेलिंग हो वो हो सके. सो माई बुक टुडे इज़ लाइक अ संडे ब्रंच. आप लोग इधर आए हैं संडे को मेरे लिए उठ के, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. और दूसरा ये कि दिस इज़ अ 329 पेज बुक. इट्स ईजी टू रीड, हैंडी, एंड यंग पीपल के लिए तो ये बहुत अच्छी है कि जो कि हु वॉन्ट टू सी व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन आवर फॉर्मेटिव ईयर्स. हमने 65 में अपने वालदैन को रोते हुए देखा जब हमने ये सुना कि लाहौर के करीब जो है वो जंग के दरमियान इंडियन फोर्स बड़ी करीब आ गई है. 71 में हम बॉम्बे में थे, हमने वहाँ अपने उनकी आँखों में आंसू देखे जब वी लॉस्ट द ईस्ट विंग. सो आई डोंट वॉन्ट द न्यू जनरेशन टू हैव टीयर्स इन देयर आइज. But if we don't do course correction, there are a lot of challenges out there. हम सब जानते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, उसके gaps क्या हैं और कैसे ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्या हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, that is a question. मेरे 8 sections हैं, economical book है, you can easily purchase. मैं marketing भी करूँगा साथ साथ, लेकिन मेरे जो कुछ छोटे छोटे takeaway हैं इस book के, वो ये है कि
रियासत को, रियासत के इदारों को ये समझ लेना चाहिए कि दे आर बीइंग वॉच्ड एंड एवरीबडी नोज व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दे नीड कोर्स करेक्शन, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी राय रास्त पे नहीं रहेंगे, चीज़ें भी ठीक नहीं रहेंगी और इसी तरह हम डामाडोल चलते रहेंगे। तो रियासती इदारे ख़ासतौर पर गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ के हवाले से इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट उनको पता हो कि ये असूल हैं और ये हमने उनको फॉलो करना है। कानून क्या है? लोगों ने फैसला किया कि हमने माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फिर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी किस बात पे? और अगर आप समझते हैं कि कानून ठीक नहीं है तो नया बना लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने कहा कि लाल बत्ती पे मैंने रुकना है और ये लाल बत्ती पे नहीं रुकेंगे, या ये चोरी करेगा तो इसको नहीं पकड़ेंगे, या इसने कोई ये काम किया जो कि खिलाफ वर्जी वाला था, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कर रहे हैं बहुत अच्छे से और हम इसका नतीजा देख रहे हैं। हमने 70s से लेके फिर 80s में हमने देखा कि किस तरह हमारे पड़ोस में जंग हुई, किस तरह मिलिटेंसी हुई, नारकोटिक्स आया, आर्म्स आए, और हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कराची यूनिवर्सिटी में, एक वी लॉस्ट अ ईयर बिकॉज ऑफ एथनिक वायलेंस, सेक्टेरियन वायलेंस, सो वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ चैलेंज। सो माई बुक बेसिकली एंटेल्स के वी नीड टू रियलाइज दैट वी कॉन्ट लिव इन डिनाइल, वी आर नॉट हेडिंग टूवर्ड्स अ केओस, वी आर इन द मिडल ऑफ अ केओस। एंड इवन आज अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा इस मड से बाहर निकलने का। तो क्या हम इस करने के लिए तैयार हैं? और मैंने अपनी किताब में शुरू में ये लिखा है कि विजडम, नॉलेज, एजुकेशन के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, और जिन लोगों ने तरक्की की है वो इसी चीज़ से आगे गए हैं। मैंने उसमें यह भी मैंशन किया है कि आप कोर्स करेक्शन अभी भी कर लें, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रॉक्स एंड वी आर नॉट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। एंड मेरी किताब एथिकल स्टेट का मतलब ये है कि वी नो कि स्टेट हैज़ टू एक्ट एथिकली एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दे रियलाइज दिस कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर लोग जो हैं भेड़ चाल चल पड़ेगी, बहती गंगा में सब हाथ धोएंगे और निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। जो आज हम देख रहे हैं या 10 साल से देख रहे हैं या कई दहाई से देख रहे हैं वो यही है कि जिनकी ज़िम्मेदारी है चीज़ों को ठीक करने की वही चीज़ें ठीक नहीं कर रहे। एक टोला आता है वो कुछ करता है, दूसरा टोला आता है उसी तरफ चला जाता है, तीसरा आता है वो एक और तरफ चला जाता है। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, एक शदीद इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। हमें पता है कि खाई है, आगे जाने से हम गिरेंगे, उसके बावजूद हम सबको कहते हैं आगे जाओ। ये असूल तो यह है कि खाई बनने ना दें, और अगर किसी ने खड्डा खोद दिया तो उस खड्डे को बंद करने की कोशिश करें। लेकिन यू कैन नॉट डू दिस के आप कह रहे हैं कि आगे जाएं डिस्पाइट यू नो कि इट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर सुहाई एंड लेट्स हैव व्यूज फ्रॉम सम वेरी रेनाउंड पैनलिस्ट ओवर हियर। थैंक यू सर, आपकी किताब बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि आपने सिंध के दो बड़े सूबों में एज पुलिस चीफ सर्व किया है, उसके अलावा मोटरवे में रहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल में रहते हुए आपने पूरे मुल्क में सर्व किया है। तो जो आपके रिफ्लेक्शंस हैं वो डेफिनेटली हमें ये बताएंगे कि ये एथिकल स्टेट आखिर हम क्यों नहीं बन पा रहे, और इसका जो बेहतर जवाब है वो मैं समझती हूँ कि मज़हर अब्बास साहब हमें देंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी थ्रेट्स खुद भी फेस की हैं और हमेशा आप डटे रहे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो कि एक एथिकल स्टेट का मैं समझती हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये एथिकल स्टेट क्यों नहीं बन रही हमारी, हमारा मुल्क? इसलिए नहीं बन सकी कि हम रियल स्टेट बन गए। तो जब स्टेट का कॉन्सेप्ट ही रियल स्टेट जैसा हो और रियल स्टेट के लोग जो है वो पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट कर रहे हों तो स्टेट कैसे बन सकती है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है मैंने पढ़ी। मैं क्योंकि जर्नलिज्म में इतना अरसा गुजरा है, मुझे याद है मैं जब शुरू में था तो उस वक्त सिंध पुलिस के चीफ बशीर सिद्दीकी साहब होते थे, और मुझे आज भी उनका वो स्टेटमेंट याद है। वो पीरियड था जब बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम और ये सारी चीज़ें हो रही थी, और वो जुमला जो है वो हेडलाइन न्यूज़ में बाकायदा कोट हुआ था। उस ज़माने में तो प्रिंट का ज़माना था कि शहर के किसी इलाके में भी कोई जुर्म हो तो उसका SHO ज़िम्मेदार होता है और उसी को ज़िम्मेदारी करार दिया जाना चाहिए। बहुत ही इसमें बास चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट से मेरा एक शौक़ है तो मुझे बॉब वुलमर का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसमें, कि यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन टीम गई, और उस चैप्टर में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि जहाँ
उसके दूसरे एस्पेक्ट्स थे कि उसकी नेचुरल डेथ हुई, एक कॉन्स्पिरेसी खड़ी की गई कि शायद नेचुरल डेथ नहीं थी, लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माइंडसेट साठ का जो कॉलोनियल ज़माने का वो ले आए उसमें, और उसके बाद फिर अपने मतलब का पुलिस ऑर्डर सब ने बना लिया। केपी में किसी तरह किसी हद तक हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन नज़र आया, और लेकिन सारा वो ये था कि जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो किसी तरह रिस्टोर ना हो ऑन पुलिस, और यही, और चूंकि एथिकल स्टेट की बात की है कलीम साहब ने, तो जो पुलिस है वो ग्रास रूट लेवल की होती है और सबसे ज़्यादा आम आदमी से इंटरेक्शन भी पुलिस का होता है। तो अगर आपकी आपकी पुलिस जो है वो आपकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है, आपको नज़र आ जाएगा कि अगर अगर आप जाएं, आपके यहाँ हम मॉडल थाने बनाते हैं, मॉडल थाने होते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कोई एक थाना मॉडल बने, ये हमारा माइंडसेट है। इसी तरह जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये स्टेट का पॉलिसी डिसीजन था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, विच वॉज अनबिलीवेबल कि रियासत ये फैसला कर रही है कि जी चूंकि जो है वो दहशतगर्दों को, एथनिक मिलिटेंसी को, उनको मिलिटेंट्स को हम कानून के तहत सजा नहीं दिलवा सकते, लिहाजा इनको एक्स्ट्रा जुडिशियली मार दिया जाए। और उस मीटिंग में द ओनली पर्सन हु अपोज दिस पॉलिसी वॉज अफजल शिगरी साहब, ही वॉज दी आई जी, एंड ही सेड कि आप स्टेट पॉलिसी कैसे बना सकती है, ये अगर आपने किसी को इस तरीके से करना भी है तब भी आप इसको स्टेट पॉलिसी नहीं बनाएं, क्योंकि देन यू विल गिव लाइसेंस टू किल। और फिर हमने देखा कि यही हुआ कराची में 94 से 96 तक, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, कई लोग जो है इसी तरह मार दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उसके बाद उनके उनकी जो है लिस्ट शाया की जाती थी कि ये लोग वांटेड हैं, वो ऑलरेडी अंदर होते थे, बंद होते थे, उनकी लिस्ट बनाई जाती थी कि और अखबार में, और फिर उन पर रिवॉर्ड मनी रखवाई जाती थी और फिर उन्हें मार दिया जाता था। ये आपकी टॉप हायरार्की जो थी ये उसकी पॉलिसी थी, इंक्लूडिंग इंटीरियर मिनिस्टर, और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की उसमें कंसर्न शामिल होगी सारी चीज़ें। नतीजा क्या हुआ, बहुत से लोग मार दिए गए, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई, क्या टेररिज्म ख़त्म हुआ? वो क्योंकि हमारी जो स्टेट का माइंडसेट है वो ये है ही नहीं वो, और बदकिस्मती से क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टेट नहीं बनाए, जिनको आज हम नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी में लाते हैं
वो दरअसल स्टेट के अपने बनाए हुए प्लेयर्स हैं, जिस तरह खुद ही लाडले बनाते हैं और खुद ही नाराज़ हो जाते हैं। मज़ा साहब, आपका स्टांस काफ़ी ब्रेव मैं कहूँगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इफेक्टिव होना एक एथिकल स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैं आपसे आपको वापस अपने टॉपिक पे ला के ये पूछना चाहूँगी कि आप कैसे देखते हैं कि एक पुलिस अफसर का किताब लिखना और एक आम राइटर का किताब लिखना, क्या इसमें क्या फ़र्क है जो कि रीडर जिससे मुस्तफीद हो सकता है? देखिए, ये शुक्र करें कि इनकी किताब जो है वो क्लियरेंस के लिए नहीं जाती, वरना हमारे जितने रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, जनरल्स हैं, उनकी किताब अगर GHQ से क्लियर नहीं हो तो वो नहीं प्रिंट होती। और जो लिखते हैं फंस जाते हैं। अभी भी कुछ किताबें जो हैं शायद उनके पास पड़ी हुई हैं जो क्लियर नहीं हुई। तो ज़ाहिर है एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। मेरा ख्याल है इसमें जो कमी मुझे थोड़ी सी महसूस हुई, उसमें जो इवेंट्स हैं, जो स्टोरी टेलिंग है, वो ज़रूर होनी चाहिए थी। जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ जो सलूक होता है, जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है, जो चाहे वो थाने हों या जेल हों, जेल आपके यहाँ मुजरिम बनाती है। आपके यहाँ जेल से मैंने ये देखा है कि जेल से ऐसे मुजरिम भी देखे हैं कि जो जेल से कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाके उनका कारोबार वहीं का वहीं रहता है। समद दादा भाई, यहाँ बहुत पुराने लोग जानते होंगे समद दादा भाई जितने अरसे जेल में रहा उसका कारोबार चलता रहा। यूनुस हबीब जितने अरसे जेल में रहे, उनकी बल्कि वाजिद राना साहब होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक मरतबा ये बताया था कि उनकी जो रिपोर्ट गई थी एक यूनुस हबीब की, उसमें जिस तरह जेल रिमिशन होती हैं कि आपने अगर खून दिया तो आपकी सज़ा कम हो जाती है, आपने अगर जो है वो ग्रेजुएशन कर ली तो आपकी सज़ा कम हो जाती है, उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि यूनुस हबीब ने 3 मरतबा खून दिया, 3 मरतबा अलग ब्लड ग्रुप था। तो ये आप सोचें कि अगर प्रिजन में, और कई प्रिजनर्स ने अपनी किताबें लिखी हैं जिन्होंने प्रिजन के अंदर की जो सूरत हाल है उसे बयान किया है, तो हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स अगर हुई तो उनको स्टेट ने नहीं माना, हमारे यहाँ प्रिजन रिफॉर्म्स हुई, हम आज भी मीडिया की उन लॉस को लेके बैठे हुए हैं जो तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाई गई, वो लॉज आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो सेक्शन 144 हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, ये वही कवानीन है जो अंग्रेज़ों ने बनाई। तो आप एक एथिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट अनएथिकल अंदाज में कैसे बना सकते हैं कि आपने अपनी उस चीज़ को, और ये बहुत बोल्ड बुक लिखी है और यकीनन इन्हें आज आइंदा कोई ऐसी जो है पोस्टिंग नहीं मिलेगी लेकिन दिस इज़ द टाइम। हमारे उस्ताद थे मीडिया में निसार उस्मानी साहब, उनसे एक मरतबा जनरल ज़ियाउल्लाह ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं तमाम ऐसे सहाफ़ियों को, आप जैसे सहाफ़ियों को जो है वो फांसी चढ़ा दूँ। तो उस पर उस्मानी साहब ने खड़े होकर कहा कि ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने इंसान के हाथ में नहीं दी है, लिहाजा सच वो है जो बोला जाए और वक्त पर बोला जाए। बहुत से ऐसे अफसर हैं अभी भी हम सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें कितना फैक्ट्स है, ये कि कभी कोई सच बोल देता है तो उसे ज़हनी मरीज़ कह दिया जाता है। तो अब आई डोंट नो कि वो ज़हनी मरीज़ हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर वो ज़हनी मरीज़ हैं तो ज़ाहिर है ऑल ऑफ अ सडन तो कोई आदमी ज़हनी मरीज़ नहीं बनता। उनको भी बहुत से सवालात के जवाब देने हैं और देने चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आप एथिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो उस वक्त तक नहीं डिफाइन कर सकते जब तक स्टेट अपने आप को डिफाइन ना करे। हम डायरेक्शन लेस नेशन हैं क्योंकि स्टेट ने हमें कोई डायरेक्शन दी नहीं, हम नारेबाजी में चलते रहे, आधा मुल्क गंवा दिया हमने उसमें। इस किताब में जितनी भी सजेशंस दी हैं कलीम साहब ने कि किस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ज़ाहिर है एज ए पुलिस ऑफिसर हुए सर्व एज एन IG
he has all the experience in pe jo pressures aaye honge mukhtalif adwar mein, I can understand jo cheeze kis tarike se prosecution ke bare mein bahut interesting inka chapter hai aur prosecution is the key aap kisko kaun si sections jo hai nikal di jati hai aur kaun si section laga di jati hai pura case badal jata hai aur aapko pata hi nahi chalta ना कंप्लेनेंट को पता चलता है कि कौन सा सेक्शन ज़ाहिर है आप FIR देखें तो FIR मेरा ख्याल है हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है माँ सिवाय पुलिस ऑफिसर्स के जो FIR पढ़ सकता हो तो FIR ऐसी क्यों लिखी जाती हैं जो अनरीडेबल हों इसी तरीके से जब प्रोसिक्यूशन ब्रांच हमारी है प्रोसिक्यूशन ब्रांच हैज़ टू बी अकाउंटेबल कोई केस और मुझे जस्टिस नासिर असलम जायद साहब की वो रूलिंग याद है कि पुलिस ऑफिसर को उस वक्त तक रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए जब तक उस केस का फाइनल डिसीजन ना हो जाए क्योंकि बेशुमार केसेस में हमने देखा है कि आपने गिरफ्तार कर लिया आपने उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया आपने जो है वो हथियारों की नुमाइश कर दी और अल्टीमेटली वो कोर्ट से बरी हो जाता है तो बरी क्यों होता है बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्रोसिक्यूशन तो प्रोसिक्यूशन अगर ख़राब है तो उसका जिम्मेदार कौन है तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल और उसको रिस्पॉन्सिबल तो आप कैसे रिवॉर्ड इस तरह दे देते हैं और टंडो भावल का केस आई ओपनर है कि टंडो भावल के केस में प्रेसिडेंट आर्मी चीफ सब के सामने आके नुमाइश असला की दी गई उन 9 अफराद जिनको मारा गया था उनको टेररिस्ट डाकू डिक्लेयर किया गया और अल्टीमेटली दे टर्न आउट टू बी इनोसेंट विलेजर्स जिसकी वजह से उस मेजर को फांसी हुई उससे तो अगर आपने एथिकल स्टेट बनानी है तो एथिकल स्टैंडर्ड को सेट करना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एथिकल स्टेट बनाने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और अभी मेरा सवाल है मिस हुमा बकाई से कि स्टेट एथिकल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात होती है डिफरेंट वाक़ियात का जिक्र होता है मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछूंगी कि हमारी सोसाइटी में क्या कमियां खामियां हैं जो दूध वाला दूध में पानी डालता है रात को रक्षे वाला लड़की देख के किराया बढ़ा देता है या फिर जिसमें टूरिज़म के मौसम में होटल्स वाले अपना किराया बढ़ा लेते हैं तो हमारी सोसाइटी में ऐसी क्या खामी है ये जो मेंटल करप्शन है व्हाई इज इट देयर देखिए एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कानून की हुक्मरानी तो हमारे यहाँ तो बग़ैर कानून के हुक्मरानी है हमारे यहाँ ताकतवर की हुक्मरानी है और पुलिस की बात हो रही है कलीम इमाम साहब को मैं पर्सनली जानती हूँ और बहुत उनकी इज्जत भी करती हूँ लेकिन कलीम इमाम जैसे ऑफिसर्स बहुत कम होते हैं मेरे ख़्याल है कलीम इमाम साहब के अपने करियर में 3 या 4 तबादले हुए जहाँ ये काम करने लगते थे और इनका काम नज़र आने लगता था जिसकी मैं गवाह हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी इंटरफेस रहा एकेडमी के पुलिस एकेडमी के साथ जो इन्होंने बनाई और पुलिस वालों की ट्रेनिंग के हवाले से कुछ काम किया फिर इनका तबादला कर दिया जाता था फिर ये वहाँ जाके बेहतर काम कर लिए जाते थे अभी मज़हर ने एक बात कही कि एक ऑफिसर ने सच बोला तो उसकी दिमागी सेहत के ऊपर से सवाल उठाया गया मसला ये है कि एक सांझे की हंडिया थी उसमें सबका हिस्सा था और अब उस सांझे की हंडिया में छेद हो गए और वो हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड्स जो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के माशरे में आ गए हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड्स हैं इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन वो ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड्स हैं 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो यंग है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से PTV सब अच्छा है से अपनी खबरें नहीं लेती और वो बातें जो खुल कर सामने आ रही हैं देखिए पुलिस वाले जो होते हैं और जो ये किताब है they are by definition implementers bureaucrats by definition are implementers lekin un implementers ko direction dene wale kamzor ho jaye ya mafad parast ho jaye ya corrupt ho jaye to wo implementer sahi taur kaam hi nahi kar sakta uski survival hi nahi hai agar aaj main baat karu to mere paas 4 ya 5 naam aate hain 76 years mein jo shayad police mein bilkhusus unke hawale se कोई तदब्बुर है कोई इज्जत है कोई
उनका नाम मैं और आप इज्जत से लेते हैं, वरना हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी की। हमें एक लड़की ने, आपने कहा रात को लड़के भी पुलिस वालों से डरते हैं, घर से निकलते हैं तो कहते हैं किसी लड़की को साथ बिठा लेते हैं तो पुलिस वाला शायद गाड़ी ना रोके। तो जो ट्रस्ट था ना वो इदारों से भी उठ गया, पुलिस के इदारे से बिलखसूस उठ गया, बिकॉज पुलिस फ्रंट लाइन फोर्स होती है तो आलाकार बन जाती है, बजाय कि वो अमन का तहफ़ का निशान हो वो आलाकार होती है उनके हाथों में, जो अपना काम करवाना चाहते हैं इस रियासत में अपनी मर्जी से, इसमें चाहे इलेक्शंस हो, चाहे एक्स्ट्रा जुडिशनल कलिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जेल में जो ताकतवर है वो जाते ही अस्पताल में ट्रांसफ़र हो जाता है, वार्ड्स बने हुए इस अस्पताल में, जो ताकतवर हैं वो वहाँ चले जाएंगे, और जो बेचारा गरीब है जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको खाना भी नहीं मिल सकता, उसकी पेशी भी नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो आपने सभी सवाल किया, ये बिगाड़ जो है कभी भी नीचे से नहीं आता, ये बिगाड़ ऊपर से आता है। जब आपका वाहिद मकसद हसूल ताकत के लिए ये है कि फिर उस हसूल ताकत को मैं इस्तेमाल करूं अपने मफाद के लिए, और फिर मैं एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करूं लॉयलिस्ट का जो मुझे वहां जमाए रखे, तो जैसे ही कोई आता है वो जो पहला वाला ऑफिसर होता है वो ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी हो जाता है या ट्रांसफर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम करने वाले लोग नहीं चाहिए इन जगहों पर, अपने लोग चाहिए, लॉयलिस्ट चाहिए, और ये फिर लॉयलिस्ट की हायरार्की ऊपर तक है। फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए नहीं लगता कि उसको काम आता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए लगता है कि वो किसी का रिश्तेदार है, किसी का समधी है या लॉयलिस्ट है, और ये सूरत हाल चेंज होने को नहीं दे रही, ये सूरत हाल बदलने को नहीं दे रही। क्या कोई बदलाव आ सकता है? मेरा ख्याल है कि हम, मेरी उम्र बहुत हो गई है सुनते सुनते कि पाकिस्तान क्रॉस रोड्स पर है, लेकिन मुझे इस वक्त वाकई लगता है कि पाकिस्तान क्रॉस रोड्स पर है। शायद एक ऐसी सूरत हाल हो गई है जहां बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और रियासत के पास उनके जवाब नहीं है। एथिकल तो छोड़ दें, फंक्शनल रियासत भी नहीं रही। एथिकल रियासत तो चलिए जो अच्छी रियासत हो ना, जो डिलीवरिंग रियासत हो, जो फंक्शनल रियासत हो, जो तालीम दे सके, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। कराची में रोजाना की खबर है कि 4-5 आदमी मार दिए जाते हैं, और मुझे हुक्मरानों की ये बात याद है कि इतने बड़े शहर में 4-5 लोग मर जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब ये रवैया हो, ये सोच हो, ये ख्याल हो, तो फिर एथिकल कहाँ से आएगा? जब मुझे फ़ोन किया कलीम इमाम साहब ने इस किताब के बारे में और उन्होंने कहा इन दी परसूट ऑफ एथिकल स्टेट, मैंने कहा इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता था इस किताब को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि यही तो सवाल है कि क्या कोई एथिक्स बाकी हैं, क्या कोई सही और गलत की पहचान बाकी है? क्योंकि मेरे और आपके जहन में, मैंने मुस्तकिल इलेक्शन ट्रांसमिशन की और मैंने एक ही बात सुनी कि जो 2024 में हो रहा है वो गलत कैसे है, क्योंकि 2018 में भी ऐसे ही हुआ था। दो टू रॉन्ग्स मेक वन राइट। अगर 2018 में रियासत के ने मिलकर किसी की पुश्त पनाही से धांधली की थी तो 2024 में धांधला करने की बिल्कुल इजाजत है। ये सही हो गया। रिजल्ट्स आप 3 दिन आने पे रिजल्ट्स पे नाराज हो रहे हैं, रिजल्ट्स तो 5 दिन में आए थे 2018 में। तो लिहाजा जो 2024 के बाद इलेक्शन होंगे वो शायद इलेक्शंस ही नहीं होंगे। तो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मेरी और आपका ये कलेक्टिव सोच होती है कि ये सही है और ये गलत है। रियासत पाकिस्तान में गलत सही बन गया है, और इस वजह से दूध में पानी मिलाने वाले को क्यों पकड़ते हो? जिस जो आपका मुल्क बेच खाया है उनसे तो आप सवाल नहीं उठा सकते, आप उनसे तो सवाल नहीं पूछ सकते। जो बातें आया हैं, वाजे हैं, मुझे और आपको कुल्ली तौर पर पता हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स के, कलीम इमाम साहब मुझे बताइए, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने अगर सही इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, क्या वो कत्ल नहीं हुए? क्या वो गायब नहीं हुए? मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, उनकी फैमिलीज को पर्सनली जानती हूँ। जो जब तहफ़ देने वाले को ही तहफ़ नहीं है,
और उसको अपनी बका के लिए गलत बात माननी है, नौकरी में रहने के लिए, नौकरी रखने के लिए वो सब कुछ करना है जिसका, जिसको ना करने का उसने हल्फ उठाया था, उस जज को वो सब कुछ करना है जो ना करने का उसने हल्फ उठाया था, उस सियासतदान को वो सब करना जायज लगता है जिसके लिए वो हल्फ उठाता है, और हसूल इख्तदार ही वाहिद मकसद है। इसी तरह राइजिंग इन द कार्डर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द पुलिस, किसकी प्रमोशन होगी? जो सही लोगों से कनेक्टेड होगा, सही लोगों के काम करके देगा, कल वो सही जगह पर लगाया जाएगा, लगा रहेगा, पोस्ट रिटायरमेंट भी उसके लिए सिक्योरिटी होगी। जो सच बोलेगा, जो एथिकल होगा, उसकी तो इस माशरे में बका ही नहीं रही। तो नतीजा क्या हो रहा है जिस पे मैं बात करूंगी, उस तो साहब भी हैं, ये माशरा गिर रहा है, वी आर इम्प्लोडिंग, हम अंदर से गिर रहे हैं। हेल्थ केयर ख़त्म, एजुकेशन ख़त्म, डिलीवरी ख़त्म। और मैं हर वक्त एक जुमला कहती हूँ, वैसे आपसे गुजारिश करूँ, आज ट्विटर भी बंद हो गया, मैं ट्विटर पे लिखती थी कि सर्किस्तान बन गए हैं हम। जो आयशा जलाल हैं, उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत इस बात से की थी कि पाकिस्तान कॉन्स्पिरिस्तान है। मैं आज हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुल्क मजाक बन गया है, और ये मजाक इसलिए बन गया है कि हमने सही और गलत की शनाख्त ही मिटा दी। थैंक यू मिस उमा, आपकी जो व्यूज थे। अब मैं सवाल पूछूंगी ओस्तो साहब से। बेसिकली ये जो जंग थी अच्छाई और बुराई की, उसके बाद ये हुई सिटीजन की और क्रिमिनल्स की, पुलिस जो आज की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, ये कोई 400-500 साल पहले इसका वजूद आया, उससे पहले जो लड़ाई थी वो थी सिटीजन्स के बीच में और क्रिमिनल्स के बीच में। और आज भी इंटरनेशनली जब लंदन में क्राइम बढ़ जाता है तो मेट पुलिस का चीफ अपनी वेबसाइट पे लिखता है कि सोसाइटी ऑफ लंदन शुड रिफ्लेक्ट ऑन इटसेल्फ, ये इतने क्रिमिनल्स कैसे पैदा हो रहे हैं। सो जब हम बात करते हैं रियासत की, जब हम बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट की, तो ये सब पब्लिक की ही रिफ्लेक्शन है जैसा सर कलीम ने कहा। तो मेरा सवाल वही आपसे मैं रिफ्रेस करके पूछना चाहूँगी कि जो सोसाइटी का रोल है वो रोल क्यों नहीं प्ले हो रहा? थैंक यू सोहा। देखें, मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है क्योंकि मैं लॉयर हूँ। हिस्टोरिकली अगर आप स्टेट की एवोल्यूशन देखें तो हिस्टोरिकली स्टेट ने, चाहे वो प्लाटो की स्टेट से शुरू करें या थॉमस एक्वाइनस ने जो कंसेप्ट दिया था रिलीजियस स्टेट का, या उसके बाद हमारा इस्लामिक कंसेप्ट है, या फिर मिडिवल एज में थॉमस हॉब्स की एक अपनी पैसिमिस्टिक स्टेट थी, या अभी जो मॉडर्न वेस्टफेलियन स्टेट है जिसको हम अभी गा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई स्टेट एक प्रपोजिशन नहीं है, स्टेट कोई एक फिक्स्ड प्री कंसीव्ड प्री डिटर्मिंड अल्टीमेट आइडिया नहीं है। स्टेट बेसिकली एक फ्लक्स है, एक प्रोसेस है, एक स्ट्रगल है, एक इवोल्यूशन है, एक ये कह लें कि एक डिग्री है आपके इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ की। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्टेट पैदा हुई है वो जिस तरह यूरोपियन स्टेट पैदा हुई थी अक्रॉस द रेवोल्यूशंस, रेनेसांस से शुरू करें, रेफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बेतहाशा रेवोल्यूशन आए, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आए, तो एक फॉर्मेटिव प्रोसेस चलता रहा। जंगें हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे पहले 100 ईयर्स वॉर, हमने तो कुछ नहीं देखा। हमने, मैं ये नहीं कहता कि वॉर्स होनी चाहिए या हम भी वही प्रोसेस से निकलें गुजरें, लेकिन स्टेट 240 मिलियन के एक बड़े बेहिमौत को चलाने के लिए ये तस्वुर करना कि कोई एक बैठा हुआ है सुपर नेचुरल फोर्स जो इस स्टेट को गवर्न करेगा और इवॉल्व करेगा और हमारे लिए ठीक करेगा, आई बेग टू डिफर। बेसिकली मिडिल क्लास पैदा हुआ है हमारा, मिडिल क्लास की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम कन्फॉर्मिस्ट हैं, हम बेतहाशा
जो है कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं, हमको ऊपर भी जाना है लेकिन बहरहाल जो स्टेटस को है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना। अब सवाल यह है कि ये स्टेट जहां तक पहुंची है उसके जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूं कि हिस्टोरिकली अगेन अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आलमिया रहा है कि जो पावर सेंटर्स हैं यहां पे, जहां से स्टेट ड्रॉ करती है अपनी लेजिटिमेसी को, अपने अपने अथॉरिटी को, आज तक वो डिटरमिन नहीं हुआ। जब आपको यही नहीं पता, कलीम इमाम को यही नहीं पता कि मैं ऑर्डर किसका लूं, क्योंकि लॉ जो बनाया है हमने, जो रूल्स हमने बनाए हैं वो तो इररिलेवेंट हो गए। बिकॉज जो मैंने पहले गुजारिश की कि चूंकि जो स्टेट का जो पिवट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक सदियों से प्रोसेस के जरिए एक अपनी जगह जाके बनाता है, वो तो हम नहीं बना सके। जब 1956 में 7-8 साल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो 2 साल भी नहीं चल सका। फिर 10 साल की हमको एक पता नहीं क्या था, वो मुझको नहीं पता कि उसको क्या कहें हम। बदर साहब आपको ही बताएं, मैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं कि वो दौर क्या था। वो कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी थी, बेसिक डेमोक्रेसी थी। फिर उसके बाद एक इंटरल्यूड आया आधा मुल्क तोड़ने के बाद भुट्टो साहब का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई, सिस्टम को एक कोई रास्ता, कोई फॉर्मेट देने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो 6-7 साल भी नहीं चल सका वो एफर्ट। फिर जो है वो फिर 14-15 साल, बल्कि आज तक कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी शक्लें बनी हैं, जो उसका हशर हुआ है, और जिन्होंने बनाया उन्होंने भी किया, जिन जो इसको इंटरप्रेट करते हैं वो भी कर रहे हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखें, अब अगर इस तरह चीज़ों को हम देखें तो मेरे ख्याल में फिर मुश्किल नहीं है चीज़ों को समझना कि हुआ क्या है। अब अगर मैं कोई बड़ा वेस्टर्न सोसाइटी का बहुत बड़ा कोई प्रोपोनेंट नहीं हूं, लेकिन जाहिर है जो इदारे बना के जिन्होंने एक मॉडल्स बनाए हैं तो उसको देखना पड़ेगा। कलीम इमाम ने बहुत सी चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं, तकरीबन हर पॉइंट डिस्कस किया है इन्होंने, और मैंने अपने क्लाइंट का केस समझ के उसको पढ़ा है किताब को, तो मैंने इसको अच्छी तरह से इसको स्टडी किया है। इन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो आइडेंटिफाई की हैं और उनके हल भी दिए हैं। इन्होंने कोई टॉपिक नहीं जो जिसपे उसने लिखा नहीं है। तकरीबन सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, जेंडर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, काउंटर आपका टेररिज्म वगैरह, एवरीथिंग ही हैज ट्राई टू कवर। लेकिन मसला वही आ जाता है कि आपने जो कुछ कहा, जो कुछ एक्सपीरियंस किया, नाउ व्हाट। वेस्टर्न सोसाइटी में हर तबके ने अपना अपना रोल प्ले किया है। पॉलिटिशियंस ने ये वेस्ट नहीं बनाया। मैं इत्तेफाक से गया था रोम घूमने, तो जिस खातून के घर में पेइंग गेस्ट था, वो शी वाज एन एल्डरली लेडी, तो जब मैं पूरा घूम के आता था रात को, तो मुझसे कहती थी कि आज तुमने क्या देखा। फिर मैं उसको बताता था कि मैं वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया। तो जब मैं आखिरी दिन गया तो उसने मेरे लिए छोटा सा वो अपना एक डिनर भी बनाया हुआ था, तो उसने सारी बातें सुनी। आखिर में कहा कि याद रखना कि ये रोम जो है वो इस तरह नहीं बना। ये जो मशीन गन के अभी भी और बॉम्ब शेल्स के आपको अभी भी जो रेमिनेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे जनरेशन्स हैं जो मारी गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम एज अ सोसाइटी, एज अ ब्यूरोक्रेसी, एज अ लॉयर, एज अ जुडिशरी, एज अ मीडिया, क्या हम उस लेवल पे अपने आप को उन फोर्सेस से, जो भी फोर्सेस हैं, कन्फ्रंट करने के लिए और फिर अपने उसूल, अपनी अपने नजरिए पे खड़ा होने के लिए तैयार हैं। अगर हैं तो सोसाइटी बन जाएगी। अब मुझको याद है कलीम इमाम मेरे पास आए थे जब ये आईजी थे, एंड ही डिस्कस्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो एक आईजी की लेवल के लिए, आईजी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से जो इनको ब्रेथ ऑफ फ्रीडम मिला था। मुझको तो मतलब मैंने इनसे यही कहा था कि या तो आप रेजिस्ट करना छोड़ दो या आप ये ओहदा ही छोड़ दो, चले जाओ, क्योंकि यू कैन नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ
political engineering are sort of further strengthening this system which is governed by the criminals. And I'm sorry, with the somehow support of police and bureaucracy. Ostad sahab, thank you so much. Hamare paas time ki thodi kami hai. Ek aakhri baat sir main kar lo. Ji ji. Okay. Jab maine inse kaha tha ki aap apni naukri chhod, posting chhod de, aap ye kaam nahi kar sakte. Kal mujhko jab main inka kitab padha tha, mujhko wo yaad aaya aur main has raha tha ki Muslim League N ne kaha hai ki hum naukri nahi kar sakte. Hum फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहते हैं, खुद बनाओ. ये हालात हो गए अब कि अब कोई फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है. तो आई थिंक दिस इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस. देखिए मुख्तसर प्लीज रखिएगा. बिल्कुल मुख्तसर, इसलिए इस टॉपिक पे आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते, मुख्तसर ही बोल सकते. इतना तो बोला आपने, छोड़ा ही कुछ नहीं. जिस मुल्क में स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, उस मुल्क में एथिकल स्टेट बन ही नहीं सकती. मुश्किल है. जहां एक आईजी को उससे बहुत जूनियर अफसर जिसका ताल्लुक पुलिस से ना हो वो उठाकर ले जाए और फिर अपनी मर्जी का काम करवाए, और जो रिपोर्टर उसकी अगर फुटेज निकाल के ले आए तो उस रिपोर्टर को उठा लिया जाए, वहां हम किस क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. मेरा ख्याल है कि सारे लोग वो जो ग्लास का खाली हिस्सा है ना उसे ही देख रहे हैं. सर कलीम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भरा हुआ हिस्सा है ग्लास का उसके ऊपर भी कुछ नजर दें. एक जो है क्या ये भी बताएं. नहीं, जो भरा हुआ हिस्सा है ग्लास का इस किताब में, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगी ये बात कि कलीम इमाम ने दो, एक चैप्टर है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रियलिटी चेक. मेरे ख्याल है वो चैप्टर हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस में ये सोच है, ये इदराक है, तो शायद बेहतरी की उम्मीद है. और जो दूसरी अहम बात मुझे आपकी किताब में स्ट्राइक की, आई एम अ वुमन, वो ये थी कि सिर्फ शायद 2.5% औरतें हैं. सुही तुम बैठी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 2.5 औरतें हैं इस वक्त पुलिस फोर्स में. 49% औरतें हैं इस मुल्क में. आप प्रोटेक्शन का निशान नहीं बन सकते अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन पुलिस में इतनी कम होगी. 5% करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 5% तक हो जाएगा. सर प्लीज़, आप इतनी सख्त किस्म की हमें बातें सुनी हमने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के बारे में, लेकिन आपका तजर्बा बहुत अच्छा रहा. और सर की अपनी पोस्टिंग होना, मेरी पोस्टिंग होना, यहाँ पे बैठे अफसरान की पोस्टिंग होना, इस बात का सबूत है कि चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं हैं जितनी दिखती हैं या समझी जाती हैं. सर कलीम प्लीज़ इस पर. जी जी, थैंक यू. देखिए, मेरा तो आर्गुमेंट है ही है कि चीज़ें मुश्किल हैं, चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वी आर नॉट हेडिंग टूवर्ड अ केओस, वी आर इन द मिडल ऑफ अ केओस. दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अगर हम नहीं सुधरेंगे, नहीं चीज़ें ठीक करेंगे, हमें मज़ीद नुकसान होगा. मैं छोटी छोटी बातों का आपको बात बताऊँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मोटरवे में दो दफ़ा रहा, तो मैं मोटरवे में दो दफ़ा इसलिए रहा कि मुझे ज़्यादातर सड़क पर ही रखा है इन्होंने, तो कि कभी ये चलता ही रहा कहीं ना कहीं. दूसरा, मैं जब आई जी था यहाँ, इन्होंने एक सेफ्टी कमीशन बना दिया, वो सिर्फ मेरे लिए बनाया, मेरा एहतसाब होता रहा. जिस दिन मैं गया उसके बाद आज तक उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, तो ये भी एक है. तीसरी जो बात हुई वो कॉलोनियल माइंडसेट की बात हुई. अभी तक रियासत जो है वो अपने लोगों को अपना नहीं समझती, ये है कॉलोनियल माइंडसेट. पुलिस ऑफिसर आम लोगों को अपना लोग नहीं समझते. माइंडसेट ये कि गोरा साहब चला गया, ब्राउन साहब अभी तक है, तो वो अपने लोग नहीं समझते. मजल ने बात की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की. हम वो हैं जो कि शोर मचा रहे हैं कि ये ना करें, ये जुर्म है. वाइल फाइटिंग अ क्राइम डोंट बिकम अ क्रिमिनल, जिस तरह निच्छे कहता है. हम क्रिमिनल बनते चले गए और हम जस्टिफाई करते हैं, लेकिन बहुत से पुलिस अफसर यहाँ बैठे हुए हैं जो कि रिजिस्ट करते हैं, उसको मना करते हैं कि ना करें. एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से क्या हुआ, पुलिस की शहादतों में इजाफा हो गया. ये एक कोरिलेशन है. अब आप किसी को पकड़ने जाएं, उसको ये पता होता है कि पुलिस मुझे पकड़ के नहीं लेके जाएगी, मारेगी, वो आपको पहले मार देता है. हमारी शहादतें जो बढ़ रही हैं, उनकी हम उनका एहतराम करते हैं तमाम शहादतों का, और दे शुड बी कॉम्पेंसेटेड एंड ऑनर्ड. लेकिन द क्वेश्चन इज वाई आर दे बीइंग किल्ड. रोजाना तकरीबन 2.5 पीपल, पुलिस ऑफिसर्स और लॉ एनफोर्सर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स आर बीइंग किल्ड, एंड वन ऑफ द रीजंस इज दैट पीपल डोंट वांट टू बी अरेस्टेड, दे नो दे विल बी किल्ड, सो दे आर गोइंग टू किल यू बिफोर दैट.
सो ये कोई इसको सोच ही नहीं रहा, इस तरफ हम आ ही नहीं रहे। दूसरा आप देखें कि इसकी रिजल्ट में मिलिट्राइजेशन ऑफ पुलिस हो गई, छोटे अस्ते से बड़ा असला आ गया और सबने जो है वो चीज़ें पहन ली, बड़ी बड़े बुलेट प्रूफ हो, ठीक है इसकी ज़रूरत है, लेकिन पुलिस मैन इज़ अ लॉ इन्फोर्सर, ही इज़ अमंग द कम्युनिटी, ही इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू क्राइम थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग। एक और बात मैं करना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में वाकयात होते हैं, हमसे ज़्यादा बुरे वाकयात होते होंगे, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्स नहीं ठीक करेंगे तो हमारे साथ यही होगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ 2010 में, श्रीलंकन क्रिकेट टीम जिस वक्त हमला हुआ कुछ पुलिस अफसर लड़े, बेचारे शहीद हो गए, क्रिकेटर जख्मी हो गए, क्या हुआ, क्रिकेट बंद हो गई, पाकिस्तान में लोगों ने खेलना बंद कर दिया, स्पोर्ट्स बंद हो गई। किसी ने पूछा क्यों, हाँ जी ये साजिश है, साजिश नहीं थी, दुनिया ने देखा कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया, उन सारे लोगों को जिन्होंने ये काम किया एक को भी सजा नहीं मिली, वो सब घर में सो रहे थे, सबने सबकी सीडीआर निकाली गई और सब पता चला कि वो घर में सो रहे थे, ट्राइब्यूनल ने कहा इनको सख्त सजा दें, एक को भी सजा नहीं मिली, सब आईजीज बने और आईजीज के बाद भी उनको नौकरियां मिलती रहीं। तो अगर लोग आपको देखते हैं कि आप इखलाकी तौर पे आपका रिस्पॉन्स ये है तो देन दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू वेरी सीरियस। और इसी तरह मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट नॉट टू बी, हम एथिक्स की बात जब कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई वाकया हुआ और आपने लॉ इन्फोर्सर्स या गवर्नेंस या रूल ऑफ लॉ को ठीक नहीं कर रहे, आप सफ़र करेंगे। अभी आप सुन रहे हैं ना, दूर दूर कहीं हो रहा है, हम में से तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा। अगर मैं कहूँ लोगों से भी हाथ खड़ा करें कि कितने लोगों के यहाँ मोबाइल छिने, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर लेंगे। तो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। और हम जिस तरह माशरे की बात की, अगेन आप देखें इस हर साल पाकिस्तान में 2000 थाने हैं और तकरीबन हम समझें 10 लाख के करीब मर्डर्स होते हैं पाकिस्तान में और 15,000 के करीब सुसाइड होती है। यानी सोसाइटी में आप देखें मोर पीपल आर टेकिंग देयर ओन लाइफ देन कंपेयर टू द पीपल हु वांट्स टू टेक अदर्स पीपल लाइफ। सो वी आर लिविंग इन अ डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स सिचुएशन। एंड लास्टली यू सी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 47, इट वॉज सच एन अमेजिंग पार्टीशन के अंग्रेजों को किसी ने नहीं मारा उस वक्त, जो कि उनके ऊपर 200 हुकूमत करते रहे, आपस में लड़ना शुरू हो गए, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, कोई शायद एक गोला भी ना मरा हो, भाई होना तो ये चाहिए था कि आज़ादी हुई तो उसको उसके पीछे जाते जिन्होंने उन पर कब्जा किया हुआ था, नहीं आपस में लड़ना शुरू हो गए और वो लड़ाई आज भी जारी है। तो मेरा सिर्फ क्रक्स ये है कि वी आर स्टिल नॉट रियलाइजिंग, सो हेंस आई एम स्टिल परसूइंग, तो मैं परसूट कर रहा हूँ। It's a lover quarrel with his country, with his organizations. Don't do this. We are heading for a disaster. Thank you so much. हमारे पास आखिरी 5 मिनट बचे, जिसमें मैं इस हमारी जो पूरी डिस्कशन थी उसे मैं उसका क्रक्स बताना चाहूँगी। बेसिकली जो मैं समझी हूँ, एथिकल स्टेट एक सब्जेक्टिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। आपके लिए एथिकल स्टेट शायद कुछ और होगी, हमारे लिए एथिकल स्टेट कुछ और होगी। ये मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी माशरे में, जहाँ मौलवी साहब के लिए एथिकल स्टेट कुछ और है और घूमने फिरने वाले एक मॉडर्न इंसान के लिए एथिकल स्टेट कुछ और है। लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम है और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारा माशरा ज़रूर इस बात पे इत्तेफाक करेगा कि कौन सी एथिकल स्टेट होनी चाहिए जो मुझे भी कबूल होगी और आपको भी कबूल होगी और हम सबको कबूल होगी। मैं आखिर में सर कलीम की किताब कोतवाल नामा जवाल का उरूज, उससे कुछ लाइनें ज़रूर पढ़ना चाहूँगी जो कि मेरी बहुत पसंदीदा हैं। सर ने इसमें अपना तजर्बा लिखा है जो कि उनका बलूचिस्तान में हुआ। सर लिखते हैं, मेरी शुरू सर्विस में सूबा बलूचिस्तान में तैनाती हो गई, भाई लोग समझे कि खुडे लाइन लग गया, कुछ ने तो फ़ोन सुनना भी बंद कर दिए, लेकिन जो तहजीब व अखलाक और ख़ानदानी इकदार में मैंने बलूचिस्तान के लोगों में देखी कहीं और न पाई। गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर या फिर आम आदमी, हमेशा आपसे दोनों हाथों से गर्म जोशी से मुसाफा करेंगे। बड़े से बड़े सरकारी अफसर के दफ्तर चले जाएँ, सबके दरवाज़े आम आदमी के लिए खुले पाएंगे। अजीब बात है, यही अफसरान जब दूसरे सूबों में जाते हैं तो वही सुर्ख फीते का अंदाज़ अपना लेते हैं और किसी भी साहिल को अपने दरवाजे के पास फटकने भी नहीं देते। बलूचिस्तान के जिन लोगों से मेरी दोस्ती हुई, आज 35 साल गुजरने के बावजूद उनसे खूब रابطہ है।
बलूचिस्तान में एक बदनाम ज़माना डाकू बच्चों के अगवा बराए तावान में मुलविस साहब, मैंने जनाब अख्तर मैंगल साहब जो कि वज़ीर आला थे एक खतीर रकम मांगी जो मुखबर को अदा करनी थी कि उस डाकू पर हाथ डाला जा सके। उनको हम पर इतना एतमाद था कि रकम फौरन मुहैया कर दी गई। वो डाकू अपने साथियों के हमरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। कुछ अरसे बाद उसका वालिद मुझे दफ्तर में मिलने आया। मैं समझा शायद दुश्मनी में आया है। वो एक बुजुर्ग इंसान था और उसको इस बात का एहसास था कि इसका बेटा गलत कामों में मुलविस था और इसी वजह से अपने अंजाम को पहुंचा। बहरहाल था बाप डाकू की माँ के कहने पर डाकू के कपड़े और दीगर अशिया की दरख्वास्त करने आया था। डाकू की एक डायरी भी थी जिसमें रकम के लेन देन का इंदराज था। हमने उसकी चीज़ें उसको दे दी और वो खुशी खुशी चला गया। सियासतदानों के बारे में आम तासुर है कि उनके वादे वफा नहीं होते। मेरा तजुर्बा उसके बरक्स रहा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, जब भी शहीदों के वर्सा के लिए किसी पैकेज की बात की नफ़ी में जवाब ना मिला। सवाल यह है कि आप क्या मांग रहे हैं? अगर आपको अपनी ज़ात या सिर्फ अफसरान की वेलफेयर मकसूद है तो शायद आपको मायूसी हो, लेकिन अगर मसला आम आवाम का है या पुलिस के निचले दर्जे के मुलाजमीन का तो हमारे सियासतदान भी दो कदम आगे बढ़कर मदद करते दिखाई देते हैं। कराची में मेरे एक दोस्त हैं, माशाल्लाह खूब फहम व फरासत की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अगर कभी उनको किसी काम का कहा जाए तो मजाल है कि टस से मस हो जाएं। दूसरी तरफ एक ऐसे भी साहब हैं जिनको अगर हम रात को 2 बजे भी फ़ोन करें और किसी काम की दरख्वास्त करें तो वो बिस्तर छोड़ छाड़ कर ये जा और वो जा और सुबह सवेरे काम मुकम्मल होने की रिपोर्ट देंगे। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम अल्लामा इकबाल के वो जुगनू बन जाएं जो टहनी पर किसी शजर की तरह उदास बैठे हुए बुलबुल को अंधेरी रात में रोशनी करके रास्ता दिखाए? हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। पुलिस डिपार्टमेंट में सर कलीम जैसे अफसरान तो नहीं होंगे, लेकिन इनसे मिलते जुलते भी बहुत से अफसरान हैं और मैं रिक्वेस्ट तो इंशाल्लाह ताला सुआई है, सुआई इज अ पुलिस ऑफिसर, नहीं बहुत सारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अज़म करके अपने हिस्से का काम करके ज़रूर उस एथिकल स्टेट को हासिल करेंगे जिसका जिक्र सर कलीम ने अपनी किताब में किया है। थैंक यू सो मच।